हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम जानेंगे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन दुबई और जाएंगे जुमेरा बीच। तो आज हम सीखेंगे सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैसे यूज़ करें दुबई में। यस, आज हम सीखेंगे दुबई मेट्रो का यूसेज। सबसे पहले आपको उसके लिए चाहिए नोल कार्ड। आइए जानें कैसे लेंगे नोल कार्ड। नोल कार्ड आप खरीदेंगे किसी भी कस्टमर सर्विस डेस्क से। नोल कार्ड दिखेगा ऐसा। दो तरह के कार्ड होंगे, सिल्वर या गोल्ड। मैं हूँ टूरिस्ट, मैंने लिया है 7 दिन का पास वाला सिल्वर लिया कार्ड, जिसकी कॉस्ट मुझे पड़ी 25 दिरहम्स, जिसमें हमें 19 दिरहम्स की वैल्यू मिलती है। उस वैल्यू से हम ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत सिमिलर है ये दिल्ली मेट्रो की तरह। आप जब भी एंट्री एग्जिट करेंगे आपको ये पंच करना है। और सबसे बड़ी बात, नोल कार्ड आपका चलता है बसेस में भी और ट्रैम्स में भी। तो यही यूज़ करेंगे आप अगर आपको पूरे दुबई में ट्रैवल करना है। ट्रैवल करने के लिए ये रहा आपका दुबई मैप। ये दो रूट्स हैं जो आप ले सकते हैं, एक है यूएई एक्सचेंज, एक है रशीदिया। ये ध्यान रखिए जहाँ पर भी होटल लें आपके आसपास कोई मेट्रो स्टेशन हो, जिससे कि आपको हेल्प हो हर जगह कम्यूट करने में। तो आइए अब एग्ज़िट करते हैं इस कार्ड से यहाँ से, क्योंकि हम जा रहे हैं बिजनेस बे से बाहर, क्योंकि हम जा रहे हैं जुमेरा बीच। तो बस कार्ड को पंच करना है और वहाँ से बाहर आ जाना है। ये तरीका है नया कार्ड लेने का। ये जो लाइन में लोग खड़े हैं ये नए कार्ड के लिए खड़े हैं। उसके बाद आप चाहें तो कार्ड को खुद से टॉप अप कर सकते हैं। तो इतना सिंपल है दुबई मेट्रो को यूज़ करना। मेरे अकॉर्डिंग सबसे अफोर्डेबल वे है। कहीं पर भी जाना है, अपने होटल से नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पहुँचिए उस जगह के, फिर वहाँ से सेकेंड ऑप्शन लीजिए जो कि है टैक्सी। रोड पर आपको हर तरह की टैक्सीज मिलेंगी। ये इस तरह की नॉर्मल लोकल टैक्सीज हैं जिनका फेयर स्टार्ट होता है 5 दिरहम से। एंड ट्रस्ट मी, वो 5 दिरहम कब आपके 20, 30, 40 दिरहम बने आपको पता भी नहीं चलता। ये हैं बसेस, ऑप्शन नंबर 3। बसेस की कनेक्टिविटी थोड़ी सी कम है, लेकिन जहाँ तक है यूज़ करिए, बेनिफिट इसी में ही है। तो इफ़ यू वॉन्ट टू ट्रैवल चीप विद इन दुबई, दो ही ऑप्शन आपके पास, या तो बसेस या फिर मेट्रो। बट अगर आप थोड़ा सा भी एक्सपेंस अफोर्ड कर सकते हैं तो कैब्स में जाइए, जो लोकल कैब्स हैं। ऊबर, करीम, दो एप्लीकेशन हैं जो आपको कैब्स के लिए हेल्प करती हैं। बट मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऊबर और करीम लोकल कैब से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो अपनी तरफ से खुद चेक करके लीजिएगा जब भी आप लें इनमें से कुछ भी। अदरवाइज़ मेरे अकॉर्डिंगली बेस्ट ट्रांसपोर्ट है मेट्रो। तो अब मैं बताती हूँ यहाँ की लोकल कैब कैसे लेनी है, टैक्सी जिसे बोलते हैं। आइए, टैक्सी रोकिए और उसमें बैठिए और अपनी डेस्टिनेशन बता दीजिए। एंड एवरी फेयर स्टार्ट्स फ्रॉम 580। जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करोगे उसके हिसाब से आपका प्राइस बढ़ता जाएगा। ओके गाइस, सो गेस वेयर आई एम। यस, आई एम जस्ट राइट नेक्स्ट टू दी बुर्ज अल अरब, द ओनली 7-स्टार होटल इन द वर्ल्ड। एक्चुअली मैं एक पब्लिक बीच पर हूँ अभी। ये पब्लिक बीच, सबसे नियरेस्ट पब्लिक बीच है काइट बीच है जुमेरा का, सबसे क्लोजेस्ट बीच है जहाँ से आप बुर्ज अल अरब की पिक्चर ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बीचेज़ हैं जुमेरा में, बट दूर दूर जाते जाओगे तो आपको उतना होता जाएगा। एंड दिस इज़ अ पब्लिक बीच जुमेरा में। अदरवाइज़ बहुत सारे बीचेज़ हैं जो बहुत प्राइवेट हैं, वहाँ पर आप नहीं जा सकते हैं। एंड लुक एट दिस वाटर, देखो। सो पूरा जॉगिंग वॉकिंग, जिम भी है, प्रॉपर जिम बना हुआ है यहाँ। सो लेट्स गेट गोइंग।
बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही पीसफुल जगह है। यहाँ पर मैं हूँ, मैं और समुंदर की लहरें। देखो लोग वहाँ पे सर्फिंग भी कर रहे हैं सब हैं। और मेरे इस तरफ है बुर्ज अल अरब, द ओनली 7-स्टार होटल इन द वर्ल्ड। सुबह का टाइम आई हूँ मैं, अराउंड अभी 10 बज रहे हैं, तभी खाली है। एक उधर वहाँ पे प्री वेडिंग शूट चल रहा है। सो अभी टाइम यहीं पे स्पेंड करूँगी थोड़ा सा बीच पे, क्योंकि यहाँ का दुबई का बीच भी देखना है। दुबई बेसिकली है सब रेगिस्तानी, सब कुछ आर्टिफिशियल है जो उन्होंने बनाया हुआ है। तो ये चीज़ देखने वाली है कि इतना इन्होंने अच्छी चीज़ बनाई है। सबसे अच्छी बात, दुबई में कहीं पर भी जाओ ना, इतना शोर शराबा नहीं है, शांति है। मतलब टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट है यहाँ पे, लेकिन सबको रूल्स रेगुलेशन पता है कि शोर नहीं मचाना है। किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी के आसपास हो आप तो आपको रिस्पेक्ट करना है उस चीज़ को। मेट्रो तक में लोग नहीं इतना शोर मचाते हैं, शांत रहते हैं एकदम। तो अभी यहाँ बीच पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगी, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। लेट्स हैव फन। ओके, तो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद अराउंड 1 घंटा यहाँ स्पेंड कर लिया है। अच्छी अच्छी पिक्चर्स भी ले लिए हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे ज़रूर जाइए, नीचे यहाँ मेंशन कर देती हूँ, प्लीज़ जाइए वहाँ चेक करिए मेरी पिक्चर्स। अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए एंड डू फॉलो मी देयर, लेट्स बी फ्रेंड्स देयर ऑल्सो। और अब चलती हूँ मैं यहाँ से, नेक्स्ट जगह चलते हैं, देखते हैं कहीं शॉपिंग, किसी मॉल में चलते हैं। सुना है चाइना मॉल काफ़ी चीप और अच्छा है, तो चल के चेकआउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से कितनी दूर है चाइना मॉल?